अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और आप देख रहे हैं फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए बहुत से दरवाज़े खुले, कुछ दरवाज़े पाकिस्तान की फेवर में खुले तो कुछ दरवाज़े पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुले। लेकिन इन दरवाज़ों में जो कुछ दरवाज़ों से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ और कुछ दरवाज़ों से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो सबसे फ़ायदेमंद दरवाज़ा रहा वो था CPEC का दरवाज़ा। पाकिस्तान को अरबों डॉलर मिले और पाकिस्तान 5वें नंबर पे डॉलर लेने वाला मुल्क बन गया। लेकिन उसके बावजूद हमारे हाथ में कटोरे हैं और हम दुनिया भर से भीख मांग रहे हैं। इसे कहते हैं अंधा कानून। इस अंधे कानून की लाइफ कब तक है इस बारे में जानते हैं हमारे साथ जो आज हमारे शो में मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं करवाती चलूँ। उनका ताल्लुक है चेस सिक्योरिटी के, वो CEO हैं अली नवाज़ साहब। तो आइए उनसे जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर डॉलर्स कहाँ जा रहे हैं, क्यों नहीं वो डॉलर्स होते हुए भी हम दुनिया से भीख मांग रहे हैं। तो आइए उनसे मिलके बात करते हैं। ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, PSU लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, PSMU लाए हैं आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप PSMU की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अली साहब कि आपने हमें टाइम दिया हमारे चैनल को। आपसे मैं इस हवाले से, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। म्यूचुअल फंड्स को एक और टर्म्स उसका है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का मतलब ये है कि एक फ़ंड होता है जिसमें, अब सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स क्यों होते हैं, होता यह है कि हर इंसान के लिए जब वो किसी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, चाहे वो फिक्स्ड इनकम हो या चाहे वो एक्विटीज़ हो, तो हर आदमी के पास ये एक्सपर्टीज़ नहीं होती या वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रिसर्च कर सके और अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप कर सके। उसके लिए हमें चाहिए होती है प्रोफेशनल हेल्प। लेकिन अगर हम किसी एक आदमी के पास जाएं और उसे कहें कि आप, हम 100-150 लोग हैं, आप हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करें, उसके लिए एक बहुत मुश्किल काम है कि वो हर आदमी के लिए एक अलग 100 अकाउंट्स वो रन करें। तो एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, एक म्यूचुअल फंड्स बना दिया गया है जिसमें सारे लोग उसे एक फ़ंड में पूल करते हैं और वो फ़ंड ऑपरेट करता है और वो फ़ंड इन्वेस्ट करके जो भी उसके रिटर्न्स या लॉसेस होते हैं वो सारे प्रोपोर्शनेटली उन इन्वेस्टर्स में डिवाइड हो जाते हैं। इस आइडिया को म्यूचुअल फ़ंड कहा जाता है। और हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स हर तरीके के अब होते हैं, एक्विटी होता है, फिक्स इनकम होता है और डिफरेंट तरीके के जो है वो फंड्स आते हैं। अच्छा, तो इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल, इसमें वो लोग जो कि खुद इतना टाइम नहीं दे सकते हैं कि वो रिसर्च कर सकें या अच्छी स्टॉक पिकिंग कर सकें, वो उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि वो म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू जाएं, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड में एक प्रॉपर रिसर्च टीम होती है, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की टीम होती है, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की टीम होती है जो मार्केट को देखते हुए, उसके रिस्क को समझते हुए, उसके पोटेंशियल को समझते हुए इन्वेस्ट करती है मार्केट में। तो वो एक आदमी जो कि खुद इन्वेस्ट करे बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के या बगैर किसी रिसर्च के, इससे बेहतर है कि वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। सही। अच्छा, आप जैसे आजकल इकोनॉमी की जो आप कंडीशन देख रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अगर हम बात करें, अभी बात चल रही है IMF से डीलिंग की बात चल रही है, तो IMF से जो भी हमें पैसा मिलता है वो हम कैसे वापस करें, क्या आगे कोई उसका प्लान होता है? और दूसरी बात ये कि हमने माजी में भी देखा कि जो है पाकिस्तान को CPEC के थ्रू अरबों डॉलर्स मिले, उन डॉलर्स का हिसाब कहाँ है, कहाँ पर है, क्या उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कहाँ पर वो इन्वेस्ट हुए, अब मज़ीद जो डॉलर्स ले रहे हैं अब उनको पे बैक करने के लिए किस तरह से जो है, जो इनकी जो भी इनका होगा वापस करने का तरीक़ाकार वो क्या होगा, इस हवाले से थोड़ा सा आप हमें बताएं। देखिए, हमारे मुल्क में जो इन्फ्लेशन आई है पिछले एक साल में और जो कि 38% तक पहुँच गई थी तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर, उसकी एक वजह ये थी कि हमने कुछ चीज़ें कुछ टाइम से रोकी हुई थी जो कि हमें ग्रेजुअली करने चाहिए थे स्टेप्स, लेकिन वो हमने नहीं किए। हमने जो है वो लास्ट 1 ईयर में हमने देखा कि, वैसे तो कमोडिटी सुपर साइकिल कोविड के बाद से चल रहा था, बट हमने देखा कि पिछले साल कमोडिटी प्राइसेस भी ऊपर थी, उसके बाद हमारा डॉलर जो है वो काफ़ी डीवैल्यू कर गया था। फिर हमने IMF के कहने पर या IMF के रिकमेंडेशन पर बहुत सारे टैक्सेस लगाए हैं,
जिसकी वजह से जो है वो भी इन्फ्लेशनरी हुई है। फिर हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाया, हमने फ्यूल प्राइसेस जो हमने पिछले साल फ्रीज की थी वो हमने पास ऑन की, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन की, फिर हमने गैस प्राइस पास ऑन की, हमने बहुत सारे स्टेप्स ले लिए थे कुछ महीनों में जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से ऊपर आई है। बट सिंस अब हमने वो स्टेप्स ले लिए हैं, अब हमारे डॉलर में भी इस्तेकाम आ गया है IMF के प्रोग्राम की वजह से, तो अब लगता है कि आगे वाले दिनों में इन्फ्लेशन हमें नीचे जाती हुई लगती है, जो कि हमने देखा भी कि पिछले महीने जो है वो 29% की थी, अब आगे वाले महीनों में एक्सपेक्टेड है कि ईज़ ऑफ हो जाएगी। आपका दूसरा सवाल कि हमने जो IMF से पैसे लिए हैं वो हम किस तरह पे करते हैं। देखिए, आप जब भी फॉरेन बोरिंग करते हैं, चाहे IMF से करें, चाहे वर्ल्ड बैंक से करें, या किसी चीज़ से भी करें, आपको हमेशा बोरिंग करनी चाहिए और बोरो करके वो पैसे उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने चाहिए या उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे आपकी या तो एक्सपोर्ट हो या तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हो जिसमें आप डॉलर कमा सकें। जब आप डॉलर कमाएंगे तो आप डॉलर वापस करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम वो सारे पैसे कंजम्पशन या हम स्पेंडिंग में लगा देते हैं, लोकल स्पेंडिंग में, या हम अपने बजट डेफिसिट को फाइनेंस करते हैं, जिसकी वजह से जब उन पैसों को वापस करना होता है तो हमें ये एक प्रॉब्लम होती है। हाउएवर आई थिंक हम शायद इन जो पिछले महीनों में हुआ है, हम शायद इससे सबक सीख लें और हम उन पैसों को अब जो है वो केयरफुली और रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें ताकि हमें उन पैसों को वापस करने में प्रॉब्लम ना हो। रही बात जो पैसे वापस करने हैं, आई थिंक IMF का प्रोग्राम होगा तो हम जो है वो कहीं ना कहीं से बोरो भी कर लेंगे। IMF के प्रोग्राम होते हैं तो हमें और जगहों से पैसे मिल जाते हैं, मल्टीलैटरल से, बायलैटरल से, तो हम उसके थ्रू अपने जो पुराने कर्जे हैं वापस कर देंगे। तीसरा सवाल आपने CPAC का पूछा। देखिए, CPAC में हमारे पास ज़्यादातर जो है वो इन्वेस्टमेंट आई थी इन फॉर्म्स ऑफ मशीनरी, हमारे पास जो डॉलर्स हैं वो बहुत कम आए थे। उसके बाद फिर कुछ चाइना ने हमें लोन्स दिए थे अगेंस्ट थ्रू कमर्शियल बैंक्स या थ्रू गवर्नमेंट, जो कि हमें वापस करने होते हैं, जिसमें चाइना हमारी बहुत हेल्प भी कर रहा है उसको रोल ओवर करने में। तो आई थिंक जब तक हम IMF प्रोग्राम में हैं और हम ये दिखाते हैं कि हम फिस्कल डिसिप्लिन कर रहे हैं, तो आई थिंक चाइना भी हमारे जो डेट है वो रोल ओवर करता रहेगा, सिंस वो एक फ्रेंडली कंट्री भी है। बट एज हम अपनी इकोनॉमी को सही रखें, आई थिंक बाकी जो है वो फिर हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। अच्छा, अभी जो एक आ रहा है कि 12 तारीख को IMF के साथ जो है वो एक डीलिंग होने वाली है, आप क्या देखते हैं? इसके बाद इलेक्शन भी मतवक्का है। कुछ लोगों का कहना ये है कि अभी जब तक इलेक्शंस होने वाले हैं, एक नई हुकूमत जब तक कायम होगी तब तक ये जो IMF का जो ये कर्ज़ा है, क्या ये काफ़ी होगा? मतलब आगे क्या आप देख रहे हैं, क्या सिनेरियो आपको नज़र आता है? देखिए, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग है 12 जुलाई को, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि हमारा जो प्रोग्राम है अप्रूव हो जाएगा, स्टैंड बाई अरेंजमेंट है। और IMF से कभी भी हमें पैसे जो है वो पिछले प्रोग्राम में भी हमें पैसे ज़्यादा नहीं मिलता। IMF की हमें पैसों से ज़्यादा उसके सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। जब IMF हमें जब हम IMF प्रोग्राम के अंदर होते हैं तो हमें बाकी जगहों से मल्टीलैटरल, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इस वक्त तो यूरो बॉन्ड और सुकूक्स के लिए जो है वो ज़रा मुश्किलात हैं, बट हम देखेंगे ज़रा वहाँ पर जब ग्लोबल मार्केट्स में भी इंटरेस्ट रेट पीक ऑफ हो जाएंगे और जब नीचे आना शुरू होंगे तो शायद हम यूरो बॉन्ड भी कर सकते हैं। अभी तो हमारे पुराने यूरो बॉन्ड्स की यील्ड बहुत ऊपर है। तो जहाँ हमारी तो इकोनॉमी थोड़ी बेहतर होगी तो IMF प्रोग्राम में रहते हुए हमें बाकी जगह सोर्सेज से पैसे अच्छे मिल जाएंगे। तो आई थिंक IMF प्रोग्राम में रहना ज़रूरी है। हम ये 9 months कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमें एक और IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा जिसकी नेगोशिएशंस हम पहले कर लें। ये वाला IMF प्रोग्राम हमें हेल्प करेगा कि हम केयरटेकर सेटअप जो है वो उसमें जो वक्त वो गुजारना है, उसके बाद जो इलेक्शंस करवाने हैं और इलेक्शंस करने के बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको कुछ टाइम लगेगा इकोनॉमी को समझने में और उसकी उस पर स्टेप्स लेने के लिए। तो इस वाले पीरियड के अंदर हमारे पास ये 9 महीने का IMF प्रोग्राम होगा जो कि हमें काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा, ये जैसे कि आपने कहा कि IMF की शराइत होती हैं, काफ़ी सख्त शराइत होती हैं, टैक्स तो बढ़ जाते हैं, आवाम पे तो प्रेशर आ जाता है, लेकिन जो इनकी मराते हैं, जो हुक्मरानों की मराते हैं, उन अगर वो कहते हैं IMF की ये भी तो एक शर्त है ना कि आप अपने एक्सपेंसेस भी कम करें, लेकिन वहाँ पर वो एक्सपेंसेस वो कम होते हुए हमें नज़र नहीं आते। अगर हम देखें कि उनकी मरातों में कोई कमी बेशी नहीं आती, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट है बहुत, और अब शायद हमारे पास उतना क्वेश्चन है नहीं कि हम ये चीज़ें कुछ और टाइम तक कंटिन्यू कर सकें। हमने ये देखा है कि IMF ने अब हमें फिस्कल डेफिसिट का बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट दिया है, हमें प्राइमरी सरप्लस करने का टारगेट दिया है।
अब वो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता, वो आपसे ये कहता है कि आप अपने खर्चे का ये नंबर वो आपको देता है, आप ये खर्चे जो हैं वो इतने रखें। अब ये शायद आप पर डिपेंड करता है कि उन खर्चों को आप किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, वो आप उसका बोझ आवाम पर डालते हैं और अपनी मरातें कंटिन्यू रखते हैं, या फिर आप दोनों तरफ कट लेते हैं। तो आई थिंक ये अब शायद हमें आने वाले दिनों में कुछ ज़्यादा और जो है वो इस पर काम करना होगा, जिसमें हमें एक्सपेंसेस भी कम करने होंगे बहुत गवर्नमेंट के, और ख़ास तौर पे आवाम पर तो आपने टैक्सेस वैसे ही लगा दिए हैं, लेकिन अब थोड़े से गवर्नमेंट को भी अपने एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने होंगे। अच्छा, आईटी सेक्टर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पिछले दिनों हमने देखा कि काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस थी आईटी सेक्टर की, बट अभी अगर हम देखते हैं तो एकदम से बूम पकड़ा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसमें जब आपकी मार्केट में जून 27 लास्ट वर्किंग डे था, उस तब तक जो है वो IMF के प्रोग्राम की कोई ख़बर नहीं थी मार्केट के अंदर, और ये एक्सपेक्टेड था कि जून 30 को अगर ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो 1 जुलाई जब मार्केट दोबारा आप अगले साल आएंगे तब अगले फिस्कल ईयर में आपके पास कोई IMF का प्रोग्राम नहीं होगा, जिसकी वजह से हमने जून के महीने में देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार थी मार्केट, जिसकी वजह से अच्छे स्टॉक्स या अच्छे सेक्टर्स ने भी जो है वो बीटिंग ली थी, वो भी जो है वो सिंस जब आप में आपके पास पैनिक होता है जब इन्वेस्टर्स को, तो वो ये नहीं देखते कि कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा स्टॉक बुरा है, वो कहते हैं पैसे निकालो, आपके अपने इन्वेस्टमेंट्स कैश में ज़्यादा रखना प्रेफर करते हैं, आप कहते हैं अभी बेचो और बाद में देखेंगे। तो हमने ये देखा कि जब मार्केट में जब मार्केट का डाउनफॉल था या मार्केट में जब थोड़ा सा वार था तो ये वाला सेक्टर भी इम्पेक्टेड था, बट जब मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस आया तो ये सेक्टर सिंस इसकी डॉलर डिनोमिनेटेड अर्निंग्स हैं, सेक्टर ये जितने जो है वो बाहर की मार्केट्स को कैप्चर करता है ज़्यादातर, तो इनमें कॉन्फिडेंस भी फौरन वैसे ही वापस आ गया जैसे जो है वो इसमें जो है वो मंदी का रुझान था। अच्छा, ये बताएं, जैसे डॉलर की कीमत के ऊपर एक बड़ा सवाल है कि इस वक्त जो है डॉलर मज़ीद कहा जाता है कि डॉलर नीचे आएगा, ये भी बात है, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि डॉलर 340 तक जाएगा, ठीक है, और अगर उसके पेश नज़र हम देखें तो कोई 24 अरब डॉलर का जो है वो पाकिस्तान का है, जिसमें से आधे पैसों का अगर हम ये कह रहे हैं आधे डॉलर्स का वो रोल ओवर करेगा, तो इसमें आप क्या देखते हैं इस सिनेरियो में? देखें, ये जो 340 या 240 जो भी फोरकास्ट होती है, ये सिर्फ एक फोरकास्ट होती है, बैंक ऑफ अमेरिका का अपना एक रिसर्च डिपार्टमेंट है, और वो जिस तरह हम एक ब्रोकरेज हाउस है इस तरह वो भी एक बैंक और उसकी भी एक रिसर्च टीम बैठी हुई है, जिनकी एक फोरकास्ट है कि उनको ऐसा लगता है करेंसी 340 रुपये हो जाएगी, बट अगर हम जो है वो अपनी रेमिटेंसेस पे फोकस करें, हम अपनी एक्सपोर्ट्स पर फोकस करें, तो हम जो है वो इस डॉलर को कंट्रोल में भी रख सकते हैं और इसको डीवैल्यू होने से बचा सकते हैं। तो अगर हम जो है वो थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी में सही से डिसिप्लिन ले आएँ तो हमारा डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट होने की वजह हमारा रुपी जो है वो डेप्रिशिएट होने की बजाय एप्रिशिएट हो जाए। तो इस पर आई थिंक व्यू नहीं बनाना चाहिए कि 340 होगा या 240 होगा। आई थिंक अभी शॉर्ट टर्म में हमें ये लग रहा है कि IMF का प्रोग्राम हो जाएगा और उसमें जो आपके फ्लोज आने हैं फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज़ फ्रॉम मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन वो आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो डॉलर लगता है कि यहीं किसी रेंज में रहेगा, और मुझे लगता है कि इसकी मूवमेंट 2-5% के दरमियान ही रहेगी कुछ टाइम तक। अच्छा, अब देखिए, ये तो बात हो गई सारी, अब अगर हम बात करें जैसे कि हम पावर सेक्टर की तरफ अगर मैं आती हूँ, तो आपने देखा है कि यहाँ पर जो है स्पेशली कराची में के इलेक्ट्रिक का ही पूरा सुपरविजन होता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कैपेसिटी पेमेंट होती क्या है और ये देनी क्यों ज़रूरी है? देखिए, कैपेसिटी पेमेंट होता यह है कि जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर या इवन लोकल इन्वेस्टर भी आपके यहाँ बिजली का कारखाना लगाता है, तो वो आपसे ये कहता है कि मिसालन मैंने 1000 मेगावाट का एक बिजली का कारखाना लगाया और मैंने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की और उसके लिए मैंने कर्ज भी लिया, अगर कल को आप हुकूमत ये कहे कि मुझे जो है वो आपसे आपके कारखाने की ज़रूरत ही नहीं है, या मुझे 100 मेगावाट बिजली लेनी है या मुझे 200 मेगावाट बिजली लेनी है, तो हुकूमत तो जो बिजली का कारखाना है वो बाकी के डेट का क्या करेगा जो 800 मेगावाट है, और जो उसने उसके लिए कर्ज़ा लिया हुआ है उसका वो क्या करेगा? तो बेसिकली जो 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 हमारी पावर पॉलिसी है वो ये कहती है कि अगर आप 1000 मेगावाट की बिजली का कारखाना लगाते हैं तो हम आपको कैपेसिटी पेमेंट यानी 1000 मेगावाट की जो आपकी कैपेसिटी है उसका एक
कंपोनेंट या एक, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बिजली का यूनिट मिसालन 25 रुपए का है, तो कहते हैं 15 रुपए हम आपको देंगे, ये आपको 1000 मेगावाट लगाने पर मिलेगा ही मिलेगा, जिससे आप अपने कर्जे पे ऑफ कर सकते हैं। और वो जो पैसे बाकी जो आपका 10 रुपए का वो है, वो एक तरीके की वो कॉस्ट है कि जब हम आपसे बिजली खरीदेंगे उस हिसाब से आपको वो पैसे देंगे। तो कैपेसिटी पेमेंट इस वजह से दी जाती है ताकि जो मुल्क की अनसर्टेनिटीज़ है उसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो बिजली में इन्वेस्ट करने में शाय नहीं हो या डरे नहीं, वो बल्कि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग उस हिसाब से कर सके और वो कारखाना लगा सके। अच्छा, अगर जो हमारे अभी नोटिस में बात आई है वो ये कि पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है अगर हम बिजली की बात करें तो वो कोई 45,000 के लगभग है, और अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो वो कोई 25,000 से 30,000 है, तो इतना ह्यूज गैप है, लेकिन उसके बावजूद हम इस लोड शेडिंग के अजाब को झेल रहे हैं, तो ये क्या वजह है? बिल्कुल, इसमें कुछ जो आपकी टोटल कैपेसिटी है उसमें कुछ ऐसी वो हैं जिनका एफिशिएंसी लेवल बहुत कम है, फिर उसमें कुछ कारखाने ऐसे हैं जो कि फर्नेस ऑयल पे चलते हैं, फिर जिस हिसाब से हमारी ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ी थी और हमारे पास डॉलर्स की कमी थी, तो गवर्नमेंट प्रेफर करती है कि वो फर्नेस ऑयल वाले कारखाने ना चलाएँ और इम्पोर्टेड फ्यूल पर कम से कम रिलाई करें, और वो ज़्यादा फोकस कर रही है कि वो हाइड्रल पे चली जाए या न्यूक्लियर एनर्जी पे चली जाए या कोल पे चली जाए या उसके बाद भी कुछ हो तो गैस और आरएलएनजी पे चली जाए। फर्नेस ऑयल इज़ लास्ट प्रेफरेंस। अब आपके पास जो, अगर आपके ये 15,000 मेगावाट चलाने हैं अगर आपको, और उसके लिए आपको फ्यूल इम्पोर्ट करना है, तो उसके डॉलर्स कहाँ से आएंगे? आई थिंक हम पिछले कुछ महीनों में कुछ मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे थे। हमने देखा कि जिस तरीके की लोड शेडिंग डिफ़ॉल्ट होने के बाद श्रीलंका में भी, अल्हम्दुलिल्लाह वैसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं हुई। कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना था, आपने वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, और हम देखेंगे जैसी गर्मी थोड़ी सी टूटेगी या जैसी हमारी रिजर्व की पोजीशन बेहतर होगी, हमें आरएनजी के थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट्स हमें इम्पोर्ट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से बिजली की पैदावार में इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो बिजली के जो यूनिट्स इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, ये इसका क्या है? जब आप जब कंजम्पशन इतनी नहीं है लेकिन फिर भी रेट इतने ज़्यादा हैं, वो क्यों है? ठीक है, जो बिजली के यूनिट आपने इंक्रीज़ किए हैं उसकी कई वजह है। एक वजह ये है कि उसमें आपका डॉलर डीवैल्यू हुआ है, तो डॉलर डीवैल्यूशन होने के साथ आपका यूनिट की प्राइसेस भी ऊपर आई हैं। दूसरी उसकी एक वजह ये है, जो कि गलत है, लेकिन जो आपके एफिशिएंसी लॉसेस होते हैं, जिसको हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कहते हैं, T&D लॉसेस, वो पहले क्या होता था कि वो आपके सर्कुलर डेट में पाइल अप होते रहते थे। अब आपसे IMF ने ये कहा कि आप ये सर्कुलर डेट आपको बहुत बढ़ रहा है, इसको आप ख़त्म करें। ख़त्म करने का तरीका क्या था कि आप जो है वो जो लॉसेस हैं वो आप उसकी प्राइस में पास ऑन कर दें, तो वो लोग जो कि बिजली का बिल पे करते हैं उन पर ये इम्पैक्ट जो है वो पास ऑन किया गया है। तो ये गलत है, बट आई थिंक शायद हमारे पास शॉर्ट टर्म में इसका कोई और सोल्यूशन नहीं था। अब जो है वो हमारे पास IMF प्रोग्राम हो गया है और हमारे पास टाइम है, तब हुकूमत को T&D लॉसेस पे काम करना चाहिए ताकि वहाँ से वो कम होगा तो हमारी यूनिट कॉस्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। अच्छा, फार्मा सेक्टर के हवाले से थोड़ा सा आप बताएं कि अभी एक इम्पोर्ट पे पहले पाबंदी थी तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, अभी इम्पोर्ट पर से इन्होंने पाबंदी हटाई है, तो आप आगे क्या देखते हैं इस सेक्टर में? देखें, फार्मा जो है वो शुरू से ही गवर्नमेंट के एसेंशियल आइटम्स में था, और वो एसेंशियल आइटम्स होने की वजह से फार्मा को कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर हो रही थी, लेकिन हुकूमत ने बिल्कुल ही बंद नहीं की थी फार्मा की इंपोर्ट्स या उसके रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स। बट एक और प्रॉब्लम फार्मा सेक्टर को ये था कि हुकूमत इसकी प्राइसेस नहीं बढ़ाने दे रही थी, और डॉलर की डीवैल्यू होने की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से फार्मा कंपनी की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई थी, तो आप नुकसान में जो है वो बना कर नहीं बेच सकते हैं। तो इस वजह से फार्मा ने ये कोशिश की थी गवर्नमेंट से ये निगोशिएट करने की कि वो प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ा दी। हुकूमत ने टाइम लिया लेकिन उतनी नहीं बढ़ाई जितनी फार्मा सेक्टर की डिमांड थी, बट थोड़ी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से अब फार्मा ने प्रोडक्शन अपनी बढ़ा दी है, तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि उसकी प्रोडक्शन और बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अगर हम सीमेंट सेक्टर को लेकर चलते हैं तो सीमेंट सेक्टर में इस वक्त आप क्या देखते हैं, क्योंकि अभी बजट आया था और बजट में तरक्याती काम के लिए एक अच्छा खासा जो है एक अमाउंट जो है वो सेट किया जाता है, तो इसमें आप क्या देखते हैं कि सीमेंट सेक्टर जो है ये इस सेक्टर को कितना फ़ायदा होगा और ये कहाँ पर आप इसको देख रहे हैं?
क्योंकि हमने ये देखा है कि पिछले साल के मुकाबले में जो सीमेंट सेल्स हैं वो तो नीचे आई हैं, बट जो जिस तरह की कोल की प्राइसेस बढ़ी थी और जिस तरह इंटरेस्ट रेट्स बढ़े थे और डॉलर डीवैल्यू हुआ था, तो सीमेंट ने अपनी सेक्टर ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने से के लिए प्राइसेस बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से उनकी प्राइसेस पर इंपैक्ट नहीं आ पड़ा था। बट ये इस साल का जो बजट आया है उसमें IMF ने आपसे PSDP में कोई बहुत ज़्यादा कट नहीं करवाया है, तो हमें लगता है कि फेडरल में भी PSDP बहुत ज़्यादा है। और जो सिंध हुकूमत का जो बजट है उसमें भी PSDP जो है वो का नंबर बहुत ऊपर रखा गया, उसका बजट बहुत ऊपर रखा गया है क्योंकि सिंध में फ्लड्स आए हुए थे। तो ये एक्सपेक्टेड है कि इस साल जो है वो सीमेंट के वॉल्यूम्स भी रिकवर होंगे, डिस्पैचेस भी ज़्यादा होंगी और प्राइसेस वैसे ही ऊपर है, तो ये साल तो सीमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच अली वजाहत साहब आपके टाइम का। और जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ जो है चेस सिक्योरिटी के CEO अली वजाहत साहब हमारे साथ थे और उन्होंने आपको एक ओवरव्यू दिया है इस वक्त जो हमारी जो बिज़नेस के हवाले से और जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं उसमें जो करंटली इस वक्त जो सिचुएशन है और जो हमारी इस वक्त इकॉनमी की जो सिचुएशन है और जो अभी IMF के साथ जो मुआहदा एक्सपेक्टेड है क्योंकि 12 तारीख बस आने ही वाला है, तो इस हवाले से उन्होंने अपनी एक बहुत ही अच्छा एक अपनी एक्सपर्टीज़ दी हैं। और इसी के साथ ही अपनी होस्ट नादिया अनवार को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।